जमाल तेरा जलाल तेरा कमाल है बे मिसाल तेरा है तू ही अव्वल है तू ही आखिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जमाल तेरा जलाल तेरा कमाल है बे मिसाल तेरा को बरतर नहीं है तेरे कोई बराबर हर एक जर्रे पे तू ही कादिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन कराम, हमारी ये बहन नसीम माई है। नसीम माई है जी। ये हमारी बहन नसीम माई है और अल्लाह तबारक व तआला हमारी बहन को सलामत रखे। ये हमारी बहन अपने बाबा जी के साथ बुजुर्ग के साथ रहती हैं, इनके वाले साहब हैं, पर ये बहन शादीशुदा नहीं है और ना कोई इनके बच्चे हैं ना कोई और सरपरस्त है। इस बहन का एक पुराना कमरा था जिसमें ये बाबा जी, इनके वाले साहब और ये बाजी रहते हैं, वो बिल्कुल गिरने वाला है, डिमोलिश होने वाला है, कच्चा कमरा है। तो ये बहन कुछ दिन पहले हमारे पास आई और ये अल्लाह की बहुत नेक बंदी है हमारी बहन। तो ये जब मेरे पास आई तो रो रही थी कि भाई मेरे पास कोई कमरा नहीं है, कोई रूम नहीं है, हमें हर वक्त बाप बेटी को खौफ लगा रहता है कि हमारे ऊपर ये कमरा जो है, जो कच्चा मकान है, वो गिर ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो बात थी मैंने अपनी प्यारी वालिदा से डिस्कस की और मेरी वालिदा अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जज़ा दे, उन्होंने फ़ौरन कहा कि मेरी इस बेटी का फ़ौरन से फ़ौरन एक जो कमरा है बनाया जाए। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको एक नॉर्मल साइज़ में एक छोटा कमरा चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी रूफ़ हमने डालनी है, ये रूफ़, इसके बाद ये प्लास्टर होगा, इसमें एक छोटी सी विंडो है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका जो है डोर भी लग चुका है और अल्लाह के करम और फजल से ये इंशाल्लाह इसकी रूफ़ डल जाएगी, प्लास्टर हो जाएगा और तब मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो शामिल करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। तो जस्ट अभी आप लोगों के साथ एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करनी थी मेरी इस बहन के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से और मेरी प्यारी माँ की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा तैयार हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला, मेरी वालिदा आप मुझे देख रही होंगी और अपनी इस बेटी को भी देख रही होंगी, आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, दुआ मांगी। अच्छा, इससे पहले आपका जो कमरा था वो बिल्कुल छोटा सा खराब सा गिरने वाला था, अब माशाल्लाह पक्का कमरा बन रहा है। तो किसके लिए दुआ करेंगी? मेरे लिए और मेरी वालिदा के लिए। ठीक है जी, हम सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी दुआएं कि इंशाल्लाह आपके अल्लाह ताला नसीब में करे। इंशाल्लाह मैं ये रूम दिखाता हूँ आपको, ये अभी अंदर से सारा मुकम्मल हो चुका है लेकिन इसकी रूफ डालनी है हमने, इंशाल्लाह जल्द रूफ डल जाएगी और ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद ये इसका फ्लोर भी फाइनल हो जाएगा, इसमें हमारी ये बहन रह सकेंगी। इंशाल्लाह मटेरियल भी मौजूद है और जैसे ये फाइनल होगा इंशाल्लाह आप सबके साथ ये अपडेट शेयर की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर हो और अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस बहन के ये नसीब में करे और अल्लाह सुबहाना तआला मेरी वालिदा को बहुत बहुत जजा दे कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट में फौरन कहती हैं कि बेटा शुरू करते हैं। तो अल्लाह आपको जजा दे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।